हेलो एवरीवन, दिस इज योर अकबर इस्लाम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइड एट डिजायर अकबर। सो आज मैं फाइनली जा रहा हूँ बाजबारी टी गार्डन पे एंड साथ में है मानस नेशनल पार्क। सो वहाँ पे जाएंगे एंड मेरे साथ है जमीर एंड ताजिबुल एवेंजर लेते हुए एंड मेरे साथ और दो फ्रेंड है इमरान एंड मोमिरुल। सो आगे जाते हैं एंड टी गार्डन पे ड्रोन शॉट लेते हैं एंड जगह को एक्सप्लोर करते हैं। So let's go. So finally, मैं पहुंच गया शालबाड़ी जूनियर कॉलेज के पास एंड मेरा कॉलेज में दिखाता हूँ आपको। सो वंस अपॉन ए टाइम मैं यही कॉलेज पे पढ़ाई करता था। फातिमाबाद टी गार्डन एंड मानस नेशनल पार्क का गेट हमारा घर से बहुत ही नज़दीक है, लाइक 15 किलोमीटर के आसपास। धूप भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 2:30 बज चुका है अभी, तो गर्मी का लेवल थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ से रास्ता बहुत ही शानदार है एंड सो हम आगे जाके एक फ्लाई बाई लेंगे तीनों बाइक का। तो हमने यहाँ पे फ्लाई बाई ले लिया। लोगों को अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, जल्दी से आप लोग लाइक कीजिए, तब तक हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पे। तकरीबन मेरा वीडियो ले रहा है वो, तो हम लोग बहुत ही जल्दी पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे गादुली बाज़ार पहुँच गए हम, टी गार्डन शुरू हो गया यहीं से। तो वेलकम टू बिरिना, हम लोग अभी बिरिना पहुँच गए। यहाँ से सामने है मानस का गेट, आगे जाके आपको दिखाएंगे। मेन रोड छोड़ के आगे हम लोग अंदर पे, आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर है एंड यहाँ का मौसम भी बहुत ठंडा। आप लोग जो सामने घर देख रहे हो यहीं पे होता है फातिमाबाद टी गार्डन का सारा टी का प्रोडक्शन। सामने दुकान दिख रहा है, यहाँ से ही कुछ लेंगे खाने के लिए। तो आप लोग देख रहे हैं यही है मानस नेशनल पार्क का गेट एंड यहीं से एंटर होता है अंदर में। और यहाँ पे बाइक अलाउ नहीं है, कार एंड जीप अलाउ है। हम लोग जाएंगे बेकरी दीवार के पास, यहाँ पे मोर दिख गया मुझे, लोगों को मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ मोर। ये देख रहे हैं आप लोग मोर, जूम करना पड़ रहा है। और यहाँ पे एक देखा था मैंने, अरे यार चला गया। राइट साइड पे जो आप लोगों को वायर नज़र आ रहा है, ये वायर पे कभी भी गलती से भी टच मत करना, क्योंकि टच करने से हाई वोल्टेज का बिजली का झटका लग सकता है। शायद दिन पे नहीं लेकिन रात को यह कनेक्ट रहता है बिजली के साथ। हम लोगों को सामने है बेकरी दीवार, पहुँच ही गया ऑलरेडी। यहाँ पे ऑलरेडी टूरिस्ट आया हुआ है दूर दूर से। हम लोग लेफ्ट साइड पर जाएंगे पहले एंड कहीं पर भी गाड़ी पार्क करना पड़ेगा मुझे, तो देखता हूँ। यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दिया तीनों का तीनों एंड अभी जाते हैं। पहले यहाँ से एंट्री हुआ करता था वंस अपॉन ए टाइम एंड अभी ऑफिस ऑफिस क्लियर हो गया, तो आगे नो एंट्री लिखा रहा है एंड मैं बेकी का आपको नज़ारा दिखाता हूँ। Thank you.
ड्रोन शॉट लेने के बाद मेरा कैमरा में हो गया है एक इशू, कैमरा ऑन नहीं हो रहा था, दोनों बैटरी डिस्चार्ज दिखा रहा था। एंड उसके बाद हम लोगों ने खाया वहाँ का लोकल दुकान से रोटी एंड अंडा। थोड़ा टाइम बिताने के बाद हम लोग निकल पड़े ईस्ट की तरफ एंड वहाँ पे आगे जाके आपको दिखाऊंगा 100 राइनो का ड्रोन शॉट। तब तक आप लोग सब्सक्राइब कीजिए एंड हम लोग पहुँचते हैं डेस्टिनेशन पर। मुझे पता है आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए एंड हम लोग पहुँचने वाला है डेस्टिनेशन पर। तो आप लोग देख रहे हैं 100 राइनो एंड हम लोगों का आश्रम 100 राइनो के लिए फेमस है। काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क से आज भी शिकारियों ने 100 राइनो का शिकार करता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही साल बाद हम लोगों का सामने से 100 राइनो अलविदा कह के चला जाएगा हमेशा के लिए। अगर मेरा ये वीडियो कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से देख रहा है तो कृपया इनको जिंदा रखने के लिए जितना भी स्टेप हो सके उठाना पड़े उठा लीजिए एंड शिकारियों के ऊपर कड़ी नज़र रखिए। थैंक यू। राइनो देखने के बाद पहुंच गया छोटा सा ब्रिज के पास एंड वहां जाके दो चार फोटो क्लिक किया एंड फोटो देखने के लिए आपको इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा है, फॉलो कीजिए, वहीं पे इंस्टाग्राम में फोटो मिलेगा आपको एंड जाके वीडियो भी शूट किया तो एक शो देखिए। यहाँ पे हमने अपना मोबाइल से एक अंडर वाटर शॉट लेने की कोशिश की लेकिन पानी भी उतना क्लियर नहीं था। अभी जो आप लोगों ने शॉट देखा ये शॉट यही मासूम बच्चा ने लिया, इसका नाम है हासिबुल इस्लाम। सो थैंक यू छोटा भैया। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद हम लोग निकल पड़े टी गार्डन का ड्रोन शॉट लेने के लिए। सो आप लोग ड्रोन शॉट का मजा लीजिए। आसाम में सबसे पुराना टी गार्डन में है ये फातिमाबाद टी गार्डन, जो कि बांसबाड़ी का एरिया पे एंड मानस नेशनल पार्क का सीमाओं को छू रखा है। ब्रिटिश ने ये गार्डन को 19 सेंचुरी में सेटअप किया था, जो कि इसका पूरा एरिया 700 एकड़ बीघा जमीन में है। सन 1924 में ब्रिटिश ने इसका ओनरशिप बंगाल का नवाब के हाथों में दे दिया था।
और अगर आपको समझने में दिक्कत आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बंगाल नवाब का डॉटर का नाम था फातिमा एंड उसके बाद नवाब साहब ने इसी गार्डन का नाम रख दिया फातिमाबाद टी गार्डन। जो कुछ भी बताया मैंने गार्डन के बारे में, यह सब कुछ मैंने गूगल देख के बताया, नहीं मेरा खुद का ओपिनियन है। सो टाइम टू से बाय बाय फातिमाबाद टी गार्डन एंड मानस नेशनल पार्क। कहीं पे भी नहीं रुका, सीधा पहुंच गया घर पे एंड घर पहुंचते पहुंचते लगभग 7 बज गया शाम को। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अगर किसी ने ये फातिमाबाद टी गार्डन नहीं देखा तो उसको ज़रूर शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर मेरा नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे सेफ, सेफ राइनो, सेफ वाइल्ड लाइफ, टेक केयर एंड बाय बाय। Thank you.